सनानंद पत्री छोटी, कल की वही चौपाई है। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार, अति बड़ो विस्तार। आप हक श्री जी साहिब, आप महमत साहिब जमा फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, सबसे पहली बात है, कल जो रात में चर्चा हो रही थी उसमें वर्णन आया कि 27 मुहर्रम बड़ा मसौदा में वर्णन आता है, जब श्री जी अंतर ध्यान हुए तो उस समय जो तारीख लिखी है इस्लामिक जगत के हिसाब से वो 27 मुहर्रम और साल 1106 लिखा है, जिसको सावन महीने की तारीख के हिसाब से बीतक शुरू होती है और साल 1751 विक्रमी संवत होता है। तो खुशकिस्मती से आज 27 मुहर्रम है, जो इस्लाम का हिजरी साल शुरू चलता है उसके पहले महीने को मुहर्रम का महीना कहते हैं। तो आज वही 27 मुहर्रम की तारीख है, तो ये तारीख श्री जी के यानी के भौतिक तन का जो है जन्मदिन की तारीख कही गई है, और अंतर ध्यान की तारीख 16 जिलकादा है जो 11वें महीने में होता है। तो इसी संदर्भ को ये मंसूब करके ये मजालिस मनकूब और खिताब किया गया है, तो आप गौर कीजिए। ये सनन जो किताब है, ये किताब कही गई है कि जब औरंगजेब बादशाह के दौर में पैगाम दिया गया और उसको कुरान के बातिनी मायने जाहिर किए गए, नहीं तो सभी अपने आप को मोमिन समझते थे और उन्होंने जो सुंदर साथ को कष्ट दिए उन तकलीफों का वर्णन जब सुंदर साथ ने श्री जी से किया, तो श्री जी ने उनको जब खतो किताबत यानी कि संदेश भेजा तो उसी चौपाई के संदर्भ में कहा गया है कि संबोधन करने से पहले श्री जी कहते हैं कि ऐ मेरे प्राण प्रियतम सुंदर साथ, आप मेरी आत्मा के आधार हैं। तो किसकी आत्मा के आधार हैं कि राज्य कहते हैं कि जहाँ भी सुंदर साथ हैं और सामूहिक रूप से चलते हैं तो वो मेरे आधार हैं। जैसा कि छठे दिन की जागनी की लीला में कहा गया है कि मोमिन अपने हक को जाहिर करेंगे, यानी कि राज्य कहते हैं कि आप छठे दिन की लीला में मोमिनों को दिया है, तो मोमिनों के द्वारा जो लीलाएं प्रतिपादित की गई उन लीलाओं के संदर्भ में व्याख्या करते हुए ये आज जितने भी ब्रह्म मुनियों के द्वारा जागनी लीलाएं की गई हैं उन जागनी लीलाओं के संदर्भ से जो प्रतिफल प्रदान हुआ है, तो आज ये जो विशाल समूह इकट्ठा होता है तो राज्य के संदेश को जानने के लिए ही और उसको मानने के लिए ही एकत्रित होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अगर किसी को संबोधित करते हैं तो हम उसको एक आम इंसान की तरह संबोधित करते हैं, लेकिन राज्य जब सुंदर साथ को संबोधित कर रहे हैं तो वो उन सुंदर साथ को यानी कि सभी सुंदर साथ को आज का सिखापन दे रहे हैं कि एक सुंदर साथ जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो हमारी आत्मा का आधार है।
तो इसीलिए जैसे किसी को चिट्ठी लिखा जाता है या संदेश लिखा जाता है तो उससे पहले संबोधन लिखा जाता है, कोई प्रिय लिखता है, कोई डियर लिखता है, तो इसी तरह उन्होंने ये संबोधित किया गया है। तो श्री जी के द्वारा जो संबोधन किया गया उससे ये पता चलता है कि हमें किसी से अगर खतो किताबत करनी है तो सबसे पहले हमें किस प्रकार से उनको संदेश देने से पहले संबोधन करना चाहिए। तो अगर हम अपनी रहनी को आचरण में ढाल सकते हैं तो हम कामयाब हैं, नहीं तो जिस तरह औरंगजेब श्री जी से मिलने के पश्चात भी शरीयत न छोड़ने की वजह से उसका जीवन निष्फल चला गया। जैसा कि वो अपने संसार में जाने से पहले कहता है कि जब श्री जी से मुलाकात उसकी होती है तो कहता है, तजल्ली तेरी जात का सिले लुलू देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तुझे ही देखता हूँ, न मैंने अल्लाह को देखा न मैंने हक इमाम को देखा, लेकिन जब आपको देखा तो हू बहू वही मोहम्मद को देखा। यानी कि जिस तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसी तरह आप इमाम जमाना हजरत मोहम्मद अल महदी अजलल्लाह ताला फरजहू अल शरीफ हू बहू हैं। जैसा कि जामाउल मार्फत किताब में आता है और सनद किताब में भी आता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आम तौर से जब देखा जाता है तो चित्र जब बनाया जाता है तो अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर बना दिया जाता है, लेकिन श्री जी का जो वास्तविक चित्र है वो और मोहम्मद साहब का जो यानी कि आप पैगंबर इस्लाम का जो सीरत है और उनकी जो सूरत है हूबहू वही सूरत और वही सीरत इमाम जमाना की है, तो वो इमाम जमाना है। नहीं तो दुनिया में 29 लोगों ने इमाम जमाना होने का दावा किया लेकिन सभी जलील और ख्वार हुए, क्योंकि वो इल्म तो ले आए, इल्म की अपनी तरीके से व्याख्या भी किया लेकिन सूरत नबवी ना ला सके कि जो पैगंबर इस्लाम की जो सूरत थी उनके जैसा चेहरा मोहरा ना बना सके, क्योंकि ये कुदरती है। इसीलिए कहा है, वाहिद जीवान वाहिद निशान मा कुल अन्न सवा सवा, कि इमाम जमाना जब दुनिया में आएंगे तो उनकी जबान अलग अलग होगी और अलग अलग भाषा में, जिस भाषा में भी कोई जवाब देगा जिस भाषा में भी कोई सवाल करेगा तो इमाम उसी भाषा में उनको जवाब दे देंगे। तो इसी प्रकरण में यह संबोधन किया गया है कि सुंदर साहब जी आप हड़बड़ाइए मत, हक का काम जब होता है जब उसका वक्त होता है, वक्त से पहले कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन आप धन्य हैं कि आपने कट्टर शरीयत के गढ़ में आकर के दीन हक को जाहिर किया और वहाबी मुल्लाओं को ये बताया कि वास्तव में जो तुम दीन को समझ रहे हो वो दीन नहीं है, तुम जिसे इस्लाम कहते हो वो इस्लाम नहीं है, कि इस्लाम कुछ और है, आपका जो आचरण है वो कुछ और है। इसीलिए लालदास जी काजी शेखुल इस्लाम से सवाल करते हैं कि ऐ काजी शेखुल इस्लाम आप हमें ये बताइए कि कुरान और हदीस में ये कहाँ लिखा है कि जिसने कलमाए तैयबा अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तहे दिल से इकरार किया है तो उस पर कसाला किया जाए, यानी कि उसको तकलीफ़ दी जाए। तब काजी भी रोया, काजी की आंखों में आंसू आए और उसने अपनी गलती मानी। तो मोमिनों ने कहा कि जो हमारा जो फ़र्ज था वो पूरा हुआ, हमारा फ़र्ज सिर्फ़ इमाम जमाना का पैगाम आप तक पहुंचाना था, मानना या मनवाना ये आपका काम है, ये आप जिस काम को जानना चाहते थे वो हमने पैगाम दे दिया है, अब आप जाने या ना माने
ये आपके ऊपर अख्तियार है। तब मोमिन वहाँ से वापस चले आए। तो इसी संदर्भ में फिर जब वहाँ से चल के आगे आकोट में पहुँचे, जहाँ श्री जी उस समय विराजमान थे, तब वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐ साथियों के जो तुमने काम किया वो कोई भी नहीं कर सकता, कि कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, कि मोमिनों का जो अंग प्रत्यंग है वो कुर्बानी का नाम सुनते ही उलसने लगता है, यानी कि प्रफुल्लित होने लगता है। अब देखने वाली बात यह है कि विवाद शुरू कैसे हुआ, कि औरंगजेब ने पैगाम हक को क्यों नहीं माना, इमामत को कबूल क्यों नहीं किया, श्री जी ने जो लोगों को चिट्ठी लिखा उन मोमिनों को किस प्रकार से सांत्वना दी गई, और वो 8 महीने मुकैद रहकर किस तरह वापस श्री जी के पास जाकर मिले, तो ये सारा इस प्रकरण के अंदर बताया गया। लेकिन विवाद ये है कि लोगों ने हकीकत को क्यों नहीं जाना। बीतक में एक प्रसंग आता है जब श्री जी कुरान का तर्जुमा कराते हैं, तो उस तर्जुमे को कराने के लिए मौलवी इब्राहिम जो है आता है, और जब वो इब्राहिम आता है तो जब वो कुरान सुनता है तो 116वें पारे में दूसरे रुकू में ये वर्णन आता है कि जो सुन्नी मुसलमान है उनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो जब ये प्रकरण आया तो मौलवी साहब ने तफसीर हुसैनी के ऊपर हाथ रख लिया, कहता है कि जनाब ये लगता है कि किसी उम्मी से कलम की चूक हो गई, यानी कि लिखना था काफिरों की दुआ कबूल नहीं करता है, लेकिन उसने गलती से लिख दिया कि सुन्नी मुसलमानों की नमाज अल्लाह तबरक तआला कबूल नहीं करता, यानी कि स्वीकार नहीं करता, तो लगता है किसी ने गलती से लिख दिया है। तब श्री जी ने कहा कि नहीं, आप इसको दोबारा पढ़िए। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि अगर कोई नमाज पढ़े और उसके आमाल ना बदलें, यानी कि दिन में 5 मरतबा नमाज तो पढ़ी लेकिन सच्चे दिल से ना पढ़ी, तो उसके आमाल तो ना बदले, पड़ोसी को तकलीफ़ देना उसने छोड़ा नहीं, दूसरे धर्म के लोगों पर कटाक्ष करना उसने छोड़ा नहीं, अपने घर में अपने रिश्तेदारों को हिस्सा दिया नहीं, अपनी बेटियों को उसने तकलीफ़ दिया, अपनी बहनों को तकलीफ़ दिया, अपनी बीवी को तकलीफ़ दिया, तो ऐसे आदमी की इबादत कबूल नहीं होती। अब जिस इबादत को कबूल करने का ज़रिया क्या है कि वो इंसान तकवे में हो, और तकवा उसको कहते हैं कि उसके आमाल दिखाई दें। अगर कोई व्यक्ति नमाज 5 टाइम पढ़ रहा है, यानी कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं पढ़ना नहीं में पढ़िया नहीं में 5 नमाजें पढ़िया, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि भाई मैंने भी 5 नमाजें पढ़ी लेकिन उनसे कुछ भी हासिल हुआ नहीं, क्योंकि जो नमाज जो मैंने जाहिरी पढ़ी उस समय मेरे ऊपर दुनिया का गलबा था, यानी कि दुनिया का प्रभाव था। तो इसी वजह से इस्लाम के अंदर ये विसंगति पैदा हुई कि लोगों ने शरीयत को जाहिरी में लिया। अब जाहिरी में क्यों लिया, इसका वाक्य आता है कि जब पैगंबर इस्लाम आखिरी हज पर गए, हजतुल विदा के मौके पर गए, तो गदीर के मैदान में उन पर वही नाजिल हुई जो कुरान के 5वें पारे सूरे मायदा की 7 नंबर आयत में बयान किया गया। उसमें बयान किया है, अब उस आयत को उन्होंने व्याख्या किया तो उस व्याख्या में क्या कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कि मैं जिसका मालिक हूँ मेरे बाद अली उसके वारिस हैं। तो यहीं से विरासत का झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा इतना बढ़ता गया कि खुलफाए राशिदीन यानी के चारों खलीफा बारी बारी से शहीद होते गए। अब लोगों ने इसको न जाना, जब इसको न जाना और न माना
तो वहाँ मौलवी इब्राहिम भी क्या कहता है कि ये तो कोई राफ सी मारेगा हमारी राह। बीतक करने वाले अफसर क्या कहते हैं कि ये रावसी है, कि ये रावसी हमारी राह मारेगा, यानी कि ये कोई हमें रास्ते से भटका देगा। तो वो लफ्ज रावसी नहीं है, राफजी है। राफजी लफ्ज होता है शियाओं के लिए, सुन्नी इस्तेमाल करते हैं, सुन्नी शियाओं को कहते हैं राफजी, यानी कि रास्ता भूले हुए, और शिया सुन्नियों को कहते हैं खारजी, कि इस्लाम से ही खारिज हो गए। क्योंकि जो सुन्नी मुसलमान है वो चार खलीफा राशिदीन को मानता है, और शियत जो है हजरत अली ए मुर्तजा करम अल्लाह ताला अजहू को वलीउल्लाह तस्लीम करते हैं, और बड़े बड़े मुफस्सरीन और बड़े बड़े औलिया अल्लाहों ने हजरत अली को पहला इमाम तस्लीम किया है। तो यहीं से विवाद शुरू होता है। तो पहला जो इमाम है वो इमाम अली ए मुर्तजा है, और आखिरी जो इमाम है वो इमाम महदी हुज्जतुल्लाह है, कि जो अल्लाह की दलील है, जो बकैतुल्लाह है। बकैतुल्लाह का मतलब बकबक करने वाला नहीं, कि जो बाकी रहने वाला है, और वो जो बाकी रहने वाला है उसको ही बकैतुल्लाह कहा, और उसको इमाम अल मुंतजर कहा, कि जिसकी दुनिया राह देख रही है, उसी को इमाम जमाना कहा, कि जमाने का रहबर इमाम, उसी को इमाम कायम कहा, कि जो अखंड रहेगा। तो इसी संदर्भ में इस प्रकरण के अंदर आप श्री जी कह रहे हैं कि मोहम्मद हुआ महदी, कि जब उनको ये खिताब दिया गया, तो ये खिताब दिया गया तो उनको बताया गया कि आप के ऊपर जो दायित्व है वो सिर्फ पैगाम देने तक का है। औरंगजेब से अगर मनवाना होता तो हम खुद मनवा लेते हैं। अगर उसी समय ये लीला ख़त्म कर दी गई होती तो परमहंसों की आगे की लीला किस प्रकार चलती। इसीलिए राज जी ने कहा है कि ये नेक रात राखी खींच के सोभी वास्ते तुम, वरना पल में परले कर देते कहती दे रहे हम। कि जबराइल ने तो हुक्म मांग लिया था और असराफील ने कान पे हाथ लगा के ऐसे सुन रहा है कि जैसे ही राज्य संकेत करें और फना हो जाए। तो ये किस लिए कहा गया मोहम्मद हुआ महदी, कि वो महदी हुआ जो पहले अव्वल में मोहम्मद था और आखिर में मोहम्मद था, जो शुरू में भी है और आखिर में भी है। अगर वो दोनों जगह है तो वो कौन है, वो मोहम्मद महदी है जिसको रास्ता दिखाया गया। तो वो महदी कहाँ जाहिर हुआ, जैसे कि ऊपर की चौपाई में आता है कि ये खिताब किसने दिया, राज जी ने उनको दिया, और वो चौपाई आती है काबिल हिंद के बीच में, काबिल हिंद के बीच में। अब ये लिखने वाले ने लिखा है काबिल, काबिल का मतलब क्या होता है भाई, काबिल शब्द सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं। काबिल का अर्थ होता है योग्य, तो ये शब्द क्या है, काबिल नहीं है, काबुल है। काबुल हिंद के बीच में होसी इमाम रोशन, कि जब मोहम्मद साहब दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा रोजे महशर के, अपनी उम्मत को बख्शवाऊँगा, और मुझसे पहले इमाम आएंगे और लोगों को राह हिदायत पर लगाएंगे। तो लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल हमें बताइए वो कहाँ पे तशरीफ़ ले आएंगे, हम वहाँ सोने चांदी की मस्जिदें बारगाहें तामीर करा देते हैं जिससे वो वहाँ पे आकर रहें। तो उन्होंने कहा कि काबुल हिंद के बीच में, यानी कि काबुल और हिंदुस्तान के बीच का जो इलाका है वहाँ पर इमाम महदी प्रकट होंगे, और जो प्रकट होंगे वो लोगों को हकीकत बताएंगे, उनके साथ इल्म लदुन्नी होगा। ये जो मैं कुरान लेके आया हूँ इसके मायने किसी को मैं बता के जा नहीं रहा, सिर्फ मैं अपने अहले बैत को कुरान के मायने बताए हैं। अगर कुरान से अहले बैत जुदा हो तो कुरान
से अहले बैत जुदा नहीं हो सकता और अहले बैत से कुरान जुदा नहीं हो सकता, कि कुरान और अहले बैत दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कि दोनों को पकड़ के रखोगे तो हकीकत को जानोगे। अब मौलवियों ने क्या किया कि जाने के रसूल के बाद उमर ने ग्रामर लगाया, ग्रामर लगाया तो ग्रामर लगने से अर्थ का अनर्थ हुआ। अब वो हदीस में क्या लिखा है कि काबुल हिंद के बीच में होसी इमाम रोशन, कि इमाम मेहंदी जो है काबुल और हिंदुस्तान का बीच का जो इलाका है उस इलाके में प्रकट होंगे। अब उन्होंने इसका क्या अर्थ कर दिया कि इमाम मेहंदी जो होंगे वो मक्का और मदीना में होंगे, तो उन्होंने अपने ग्रामर लगाने से उसका अर्थ का अनर्थ किया। इसीलिए आज सारा संसार भटक रहा है, जिसके लिए अली ने वायदा किया था कि जब खिलाफत का मसला खड़ा हुआ तो अली ने आके कहा, अली ले आए खड़ा जुल्फकार। क्या कहता है कि जब रसूल दुनिया से चले गए, तो जब दुनिया से गए तो उन्होंने लोगों ने कहा कि भी हमारे लिए कोई हिदायत दे जाओ और हमारे लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने एक उंगली खड़ा किया, तो पूछा कि इमाम कब आएंगे। अब आखिरी समय में उन्होंने एक उंगली का इशारा किया, किसी ने उसका मतलब समझा एक दिन, किसी ने उसका मतलब समझा 1000 साल, किसी ने उसका मतलब समझा कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब कुरान में 3 तरह की बातें हैं, एक जगह है 28वें पारे में है, 17वें पारे में है, 22वें पारे में है कि तुम जिस के लिए जल्दी कर रहे हो उसके लिए अल्लाह ने एक दिन का वायदा किया है और वो एक दिन तुम्हारी गिनती के मकदार के हिसाब से 1000 साल है। फिर दूसरी जगह किसी ने पूछा कि अल्लाह ने क़यामत कब कही है, तो कहा कि क़यामत का वायदा तो अल्लाह ने जो किया था वो तय वक्त पे होगा, लेकिन उसका वक्त मुकर्रर नहीं है। इसीलिए चौपाई में क्या कहा, ये दिन किसने ना किया मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो अब कहने का भाव क्या है कि व्याकरण लगाने की वजह से अर्थ के अनर्थ हो गए और विरासत अली की ना मान के खुलफाए राशिदीन यानी के 4 खलीफा बन गए। परिणाम क्या हुआ कि इस्लाम टुकड़ों में बंटता चला गया, जिसके लिए कहा कि ये तो कोई राफजी मारेगा हमारी राह। तब मौलवियों ने कहा कि लगता है ये तो कोई शिया है। अब इसका एक वाक्य आपको सुनाते हैं। एक मौलवी अड़ोस पड़ोस में रोज कहने जाते थे, कुंडी खड़काई, भाई साहब नमाज पढ़ो। दूसरे के यहाँ जाए, भाई साहब नमाज पढ़िए, नमाज कायम करो, अल्लाह ने कहा है कि नमाज कायम करो। अब बेचारा कोई उसकी बात सुने ना, तो एक गरीब मजदूर था उसको जाके घेर लिया, वो कौन है, ये तबलीग जमात वाले देखे होंगे ना, बिस्तर उठाए घूमते हैं, बिस्तर पीछे बांधा होता, लोटा हाथ में पकड़ा होता और 40-40 दिन के चिल्ले लगा के आते हैं, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ो। ठीक, अब एक आदमी बेचारा गरीब आदमी, वो परेशान हो गया, वो एक शिया के यहाँ गया, शिया मौलवी से कहा, जी ये जमात वाले रोज़ परेशान करने आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, कि तुम तो सुन्नी हो नमाज पढ़ो। अब शिया और आलिम ने उसको मशवरा दिया कि भाई ऐसे करना, अब की बार जब वो अल्लाह की फ़ौज आपके यहाँ आए, तो दिल्ली में जब ये जमात चलती थी तो लोग बाग घरों में छिप जाते थे, क्या कहते थे, अल्लाह मियाँ की फ़ौज आ गई, ज़बरदस्ती लोगों को कहना कि नमाज पढ़ो। तो उसने कहा कि आप ऐसा करना, जब भी ये मुल्ला आपके यहाँ आए और कहें कि नमाज पढ़ो, तो इनसे कहना कि भाई मैं तो शिया हो गया। तो जैसे ही वो अगले दिन आए, भाई साहब नमाज का टाइम हो गया, चलो जमात हो रही है नमाज पढ़ें, वो कहने लगा, जी मैं तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब तो मैं तो शिया हो गया हूँ, मैं तो शिया होकर यहाँ नमाज पढ़ूंगा। अब सारे मौलवियों ने उसको घेर लिया, कहते क्या है, अरे भाई शिया तो बहुत ख़राब मजहब है, तुम कहाँ उनके चक्कर में फंस गए, कोई बात नहीं, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी, नमाज ना पढ़ो, तुम जुमे के जुमे आके एक दिन पढ़ लिया करो हफ्ते में, लेकिन तुम शिया मत हो ना, सुन्नी ही रहना।
वो कहने लगा भाई मेरे पास तो जी टाइम ही नहीं होता। कहते कोई बात नहीं, आप बकरीद ईद की साल में एक मरतबा नमाज पढ़ लो, उससे भी अल्लाह मियाँ खुश हो जाएंगे। तो इन दोनों में इतना विरोधाभास है कि शिया सुन्नी को एक फूटी आँख नहीं देखना चाहते, और सुन्नी जो है शिया को, और शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहता। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने अली का हक मारा, अली को वलीउल्लाह कहा। जैसे चौपाई में आती है, सात कलमे वाले कहे पैगंबर, पहले कौन है? आदम, सफ़ी अल्लाह। आदम को जब बनाया तो क्या किया? उसको सफ़ी दी। सफ़ी का मतलब क्या होता है? तस्वीर दी। किसकी दी? अल्लाह ने अपने नूर की छाया दिखाई। मौजा में आता है कालबुत दिखाया हिकमत कर, कि उन्होंने अपनी जो परछाई दिखाई। या परछाई क्यों दिखाई? नूर क्यों नहीं बनाया? भाई नूर से जो चीज़ बनती है वो नूर की ही बनेगी, और छाया से जो चीज़ बनती है वो मिट जाती है। अब जैसे परछाई दिखाई देती है तो परछाई मिट जाती है, लेकिन नूर से जो चीज़ बनेगी तो नूर की ही होगी और वो मिटेगा नहीं। इसीलिए आदम को सफ़ी अल्लाह कहा, कि अल्लाह ने अपने नूर की छाया दिखाई, उस छाया से आदम को बनाया गया। दूसरा है नून, नजी अल्लाह। नजी का मतलब है राजदार, कि अल्लाह का राजदार कौन है? नू है। अब भाई मुसलमान भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, सिख भी जानते हैं, सबके यहाँ लिखा है कि सात दिन और आठ रात लगातार आग लोहा पानी बरसता रहा, सारी दुनिया जल थल एक हो गई, दुनिया दरहम बरहम हो गई। तो वो किश्ती बनाई, उस किश्ती में जो किश्ती जो है कितनी लंबी थी कि 40 हाथ चौड़ी थी और 300 हाथ लंबी थी। उस किश्ती में बैठ के सबको, अपने मोमिनों को बचाया, और बाकी दुनिया फना हो गई। अब वो किश्ती गई कहाँ, ये किसी को मालूम नहीं। बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े मुफस्सरीन, बड़े बड़े मुफ्ती, आलिम दीन, औलिया अल्लाह ने भी कोशिश किया, लेकिन किसी को भी पता चला नहीं कि वो किश्ती कहाँ गई। इसीलिए उसको क्या कहा? नूह नजी अल्लाह, कि नूह जो है अल्लाह के राजदार हैं। कि वो किश्ती कहाँ गई? आपके पास तारतम ज्ञान है, इल्म लदुन्नी है, तो आपको मालूम है कि वो किश्ती कहाँ गई। लेकिन किसी मुल्ला की दाढ़ी अगर पकड़ के पूछें तो उसके अब्बा भी नहीं बताएंगे कि किश्ती गई कहाँ। पहली बात तो अरब में किश्ती की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि अरब में जहाँ पानी इतना कीमती है कि इंसान की जान सस्ती है लेकिन पानी कीमती है, तो वहाँ किश्ती की ज़रूरत क्या पड़ी? तो तीसरा, इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा। खलीलुल्लाह कहा जो अल्लाह का दोस्त है। अब उन्होंने क्या किया कि सारे मूर्तियों को तोड़ दिया। उनके पिता मूर्ति बनाते थे और बेचते थे, और पूजा भी करते थे, पुजारी भी थे। तो उन्होंने एक दिन बाज़ार में सामान गए बेचने, तो बेटे को कहा कि ये सारी मूर्तियाँ जो हैं इनको खाना खिलाना अच्छे से और भोग लगाना। कहते ठीक है। 12 बजे अम्मा ने कहा बेटा देवताओं के भोजन का समय हो गया, उनको खाना खिलाओ। अब इब्राहिम पैगंबर छोटे थे, 5 साल की उम्र थी, थाल लेके सब मूर्तियों के सामने गए, सबके सामने रखा, कोई ना खाए। अब मूर्ति कैसे खाए? अब बेचारे छोटे थे, उन्होंने समझ में नहीं आया क्या किया। अब जब किसी ने नहीं कहा तो उन्होंने एक हथौड़ा उठाया और सारी मूर्तियाँ तोड़ दिया कि अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम बेकार हो। और एक जो बड़ी मूर्ति थी, हथौड़ा उसके कंधे पे रख दिया। अब्बा हुजूर शाम को आए, पूछा बेटा ये क्या हुआ? कहता जी ये मूर्तियों में आपस में लड़ाई हो गई, और ये जो बड़ी वाले जो देवता थे इसने सबको मारा। कहता ये कहीं देवता भी इसको मार सकता है? ये बेजान पत्थर की जो मूर्ति है ये किसी को कैसे मारेंगे? तो कहा कि जब अब्बा ये उसको नहीं मार सकती तो हम इनकी परस्तिश क्यों करते हैं? तो इसीलिए अल्लाह ने उनको अपना दोस्त कहा। अब वो जो उसके पिता थे, उसने जाके बादशाह से कहा कि मेरा बेटा काफिर हो गया है, आप नमरूद बादशाह जो हैं आपकी पूजा करने की बजाय वो कहता है कि मेरा जो रब है वो सब कुछ कर सकता है। तो नमरूद ने उसको पहले तलवार से कत्ल करवाना चाहा, फिर पानी में गर्क करके डुबो के मारना चाहा, उसके हाथ पैर बांधे पानी में डाल दिया, वहाँ से निकल आया, तलवारों से काटना चाहा, वहाँ से बच गया,
फिर आग जलाई, आग के अंदर उसको हाथ पैर बांध के डाल दिए तो वहाँ से भी बच गया। बारिश हुई और आग बुझ गई। तो वाणी में चौपाई आती है, लड़की एक निमरूद की ले आई थी जो यकीन, कि जैसे नमरूद के ऊपर उसकी लड़की इब्राहिम पैगंबर के ऊपर ईमान ले आई और वो सारा ने शादी की इब्राहिम पैगंबर से, तो इसी तरह औरंगजेब की जो लड़की थी मेहरुनिसा, उसने औरंगजेब के जुल्म सितम को देख के, प्राणनाथ जी की सत्यता को देख के इमाम हक को लब्बैक कहा और उनके बताए हुए रास्ते पर चली और अपना घर दिल्ली से छोड़ के बुंदेलखंड पहुंच गई। तो इनको कहा खलील अल्लाह। फिर आया मूसा कलीम अल्लाह, कि जब मूसा ने कहा कि भाई अल्लाह आपकी नूर को मेरी उम्मत देखना चाहती है, कि भाई जो मेरी जो उम्मत है वो आपके नूर को देखना चाहती है, तो अल्लाह ने कहा कि भाई नहीं देख सकोगे। कहा जी थोड़ा सा तो दिखा दो। ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई अपने रब को थोड़ा सा तो दिखाओ, झलक तो दिखाओ। तो जैसे ही झलक दिखी ऐसे ही पहाड़ जल गया और मूसा पैगंबर बेहोश होके गिर गए। तब मूसा पैगंबर ने कहा कि भाई मुझे एक सहायक दो, मेरा भाई दो, क्योंकि मेरी जबान तुतलाती है, हकलाती है। मूसा पैगंबर अपनी किसी भी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते थे, यानी कि जबान में तोतलापन था। इसीलिए क्या कहा है, खेल में मेहदी तोतला। तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे भाई दो, तो उनको भाई क्या दिया, हारून, कि भाई ये जो फिरौन है ये मुझे तंग करता है, तो उनको भाई क्या मिला, हारून। फिर उनको क्या मिला, कारून, यानी कि हारून कौन, छत्रसाल जी, और कारून कौन, लालदास जी। उन दोनों ने मिलके किसको तबाह किया, फिरौन को। जैसे फिरौन का लश्कर दरियाए कुलजम में दफन हो गया, इसी तरह औरंगजेब बादशाह इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान, यानी कि कुलजम शरूप के इल्म से ख़त्म हो गया। आज कोई भी मुग़ल ख़ानदान का नाम लेने वाला नहीं। फिर आए ईसा रूह अल्लाह, तो उसको ईसा को रूह कहा गया। फिर कहा गया बड़ी रूह कहा गया। और फिर आए मोहम्मद रसूल अल्लाह, जब हुक्म लेकर आया हाथ में, कहलाया मैं रसूल, ए अरवाहों मेरी तुम मत जाना भूल। तो क्या कहते हैं कि मैं रसूल तो कहलाया, लेकिन मैं यहाँ क्या हूँ, गैन हूँ, वहाँ क्या हूँ, ऐन हूँ, कि जब मैं वापस गया तो वहदत में मिल गया, फिर राज्य के स्वरूप में मिल गया, यहाँ आया तो मोहम्मद कहलाया, रसूल अल्लाह कहलाया, और हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। और फिर क्या कहते हैं, जो कुछ कहा मोहम्मद को तामे हुक्म अली जान, और हुक्म छोड़ हाकिम पीछे फिरे हाकिम संग सुभान। कहते हैं कि भाई अब मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा जो हुक्म का स्वरूप है ये अली है, अली तुम्हें राह हिदायत पे चलाएगा, जैसे प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को हुक्म दिया। तब बात साहिबे छत्रसाल सो कही और घर इमाम बुलंदी छत्ता को दई। तो इसी तरह सातवां जो पैगंबर, यानी कि जो कहा गया पैगंबर आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, तो उसके बाद पैगंबरी ख़त्म हो गई और इमामत शुरू हुई। इमामत पैगंबर के अधीन होती है, एक होता है पैगंबर, एक होता है नबी। नबी छोटा होता है, पैगंबर बड़ा होता है। पैगंबर के पास किताब होती है, शरीयत होती है, नबी के पास किताब और शरीयत पैगंबर की ही होती है, उसकी अलग से कोई शरीयत नहीं होती है। अगर हमें हकीकत को जानना है तो हकीकत से पहले मारिफत और मारिफत से पहले तरीकत और तरीकत से पहले शरीयत को सच्चे दिल से समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हाथ में लोटे उठा के पांच टाइम नमाज में अल्लाह हू अकबर करते घूमना है। शरीयत को जाना कि वास्तव में शरीयत है क्या। शरीयत होता है नियम। नियम सीढ़ी जो होती है, पहली मंजिल सीढ़ी की होती है, नियम होती है, दूसरी शुद्धिकरण होती है, तीसरी पहचान होती है, और चौथी हकीकत यानी कि साक्षात्कार होती है। इसी को शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत कहा है। और
पहली जो शरीयत है और दूसरी तरीकत है, तीसरी मारिफत है और चौथी हकीकत है। दीन को अगर समझना है तो इन चारों के जरिए से समझा जाएगा। अगर कोई शरीयत पे अमल करके चाहे कि मैं दीन मुकम्मल हो गया, तो क्या कहते हैं कि आज दीन मुकम्मल हो गया। कि दीन मुकम्मल हो गया, कैसे मुकम्मल हो गया कि भाई मेहदी तो आए नहीं तो मुकम्मल कैसे हो गया। जब मेहदी आएंगे तभी तो जाहिर होंगे। अब आम तौर से ये पढ़ा जाता है कि माँ बाप यानी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। भाई सुना होगा आपने कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अब कौन सी माँ के नीचे पैरों के जन्नत है? जो माँ खुद नमाजी परहेजगार और संयम पे चलने वाली है, जो बावजू होत के रहती है और जो हक पर लब्बैक कहती है, वो माँ नहीं जो दिन रात तो मोबाइल चलाती है, बच्चा एक तरफ पड़ा है वो कहीं टीवी के सीरियल देखती है। वो खुद जो सीरियल देखेगी तो उसके पैरों के नीचे जन्नत कौन सी आएगी? वो जन्नत भी सीरियल वाली ही होगी। तो वो जन्नत उसी माँ के नीचे होगी जो माँ खुद अमल करती होगी, खुद रहनी में होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हकीकत को जानना है तो सच्चाई को पकड़ना पड़ेगा, और सच्चाई का दामन इमाम जमाना के पास है। जब तक कोई व्यक्ति लब्बैक या इमाम जमाना नहीं कहेगा तब तक वो हकीकत को नहीं जानेगा और उससे कोसों दूर रहेगा। इसी के साथ समय होता है वक्त पूरा,